और प्रूफ है ना मैच का दूसरा तो उसमें ये टोटा शूट हुआ है हमने दो तीन दिन पहले ही चूँकि हमने मैं शाहनवाज हुसैन चेयरमैन टेक्निकल असटेंट एम जी नरेगा का जे एंड के का बोल रहा हूँ हमने पहले भी आ, दो तीन दिन पहले मैंने आपको बुलाया था लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी उस पर रिएक्शन ना होने के ये बहुत अफसोस की बात है कि अगर हम 800 लोग जो प्रोफेशनल ट्रेनड है पिछले 10 साल से या 10 से 12 साल से हम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट को हमने उस प्लेटफार्म उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां से आज वो बुलंद बाग दावे कर रही है लेकिन बदकस्मती से 800 लोगों का की वॉइस को कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं आया है इस ज़िमन में आज हमने सारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट साहिबान और जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं हमने उनको यहाँ बुला के जम्मू में भी हमारे सारे जो इस वक्त जो हमारे टेक्निकल असिस्टेंट इंजीनियर्स एम जी नरेगा के हैं वो भी धरने पर हैं हमें मजबूर मत करो कि हम कोई ऐसा स्टप उठाए क्योंकि हमारी फैमिलीज़ हैं हम इस वक्त गवर्नमेंट हम हम पे प्रेशर कर रही हैं इनको पी आर आई फंडस आ रहे हैं बारह सौ के करीब हम उसके लिए भी तैयार हैं लेकिन ना तो किसी आर्डर के तहत हमें ये बोला बोला जा रहा है ना किसी प्रॉपर चैनल के थ्रू हमने जब नरेगा को अमली जामा पहनाया है तो ये 1200 करोड़ जो पी आर आई के आ रहे हैं इसको भी हम अच्छी तरह से हमारी स्टेट नंबर वन पे जाना जानी चाहिए लेकिन ना तो हमारे फ्यूचर के बारे में को, को, कोई बात कर रहा है ना हमें आरजी मुलाजम के जुमने जुमरे में लाया जा रहा है तो हम जाए तो जाए कहाँ तो कहा? हम कमिश्नर साहब को बोल रहे हैं है? कि जो एस एस जी की हमारी जो मीटिंग हर साल हुआ करती थी पिछले पाँच साल से वो नहीं हुई है उन्होंने एक रिपोर्ट हमारे जो कैबिनेट का, अप्रूवल के तर्ज पे एक रिपोर्ट बनते हैं उस रिपोर्ट को उन्होंने रदी टोकरी में डाल दिया है अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हैं हम कमिश्नर साहिबान से अपील कर रहे हैं बार बार अपील कर रहे हैं इसलिए हमने एक डिसीजन यूनानसली आज लिया है कि हम तीन दिन की स्ट्राइक पैन डाउन स्ट्राइक पर जा रहे हैं हमें मजबूर और मत करो क्योंकि हम हमारे सर से पानी ऊपर हो चुका है हमारा फ्यूचर पूरे पूरा डार्क है हम अगर एट द वर्ज आप हमने वर, व, व, उसके भी पाँच सात दस साल क्रॉस किए हैं तो ओवर एज का भी लिमिट हमने क्रॉस किया डिमांड्स हमारी हैं कि हमारे सैलरी हाई जो इन्होंने रिटायर इंजीनियरों को पैंतीस हज़ार दे दिए है हमें तीस ही दे दो हम बेरोजगार हम तो रोजगार होके भी बेरोज़गार हैं हम मुलाजिम होकर भी बेरोज़गार हैं क्योंकि हमारी जो सैलरी है ये नेगलेक्जेंस के बराबर है इसकी तो को, दस जो हम एक तो ये हैं दूसरी जो अहम है कि हमारे फ्यूचर के बारे में इमिजिएटली क्योंकि अब हम बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं हम काबू से बाहर हो रहे हैं हम कोई भी गलत रास्ता उठाने के लिए भी तैयार हैं